हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपको पुराने बचे हुए कपड़ों से या फिर एक मीटर से भी कम कपड़े में डिजाइनर टॉप बनाना बताऊंगी। मैंने ये अपने पुराने सूट के कुछ पीसेस बच गए थे, मैं इसको यूज करूंगी टॉप बनाने के लिए। ये मैंने कपड़ा लिया है, इस कपड़े से मैं फ्रंट का पार्ट बनाऊंगी। उसके लिए सबसे पहले मैं इसको बराबर कट कर लूंगी। जितना भी मुझे कपड़ा चाहिए मैं उस हिसाब से इसको कट करूंगी। इसकी कटिंग के लिए मैं इसमें सबसे बड़ा वाला मेजरमेंट लूंगी। सबसे बड़ा मेजरमेंट हमारा हिप का होता है, तो हिप मेरे मेजरमेंट में है 34 इंच, और उसका 1/4 हुआ 8.5, और उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन वगैरह सब ऐड करने के बाद ये मेरा 10 इंच का आया है। तो मैं इसको इस तरह से यहाँ पे कट कर दूंगी। और ये जो हमारा कपड़ा बच गया है, इससे हम पाइपिंग वगैरह कुछ लगाना होगा तो वो लगाएंगे। अब मैं पहले फ्रंट का पार्ट बनाती हूँ। उसके लिए मैंने कपड़े को उल्टा करके इस तरह से रखा हुआ है, और जो हमारी रॉन्ग साइड है वहाँ पे लेफ्ट साइड से हम नीचे को मार्किंग करेंगे। ये मेरी लेफ्ट साइड है, और लेफ्ट साइड से मैं 6.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ इस तरह से। और ये जो मेरी दूसरी वाली साइड है, ये वाली साइड, इसको मैं पूरा नीचे पे मिला दूंगी इस तरह से। बिल्कुल हमें यहाँ नीचे कॉर्नर पे इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। और अब मैं इसको कट कर दूंगी। यह देख सकते हैं मैंने इसको कट कर दिया है। और अब मैं दूसरे पार्ट की कटिंग करती हूँ। अब मैं दूसरे कपड़े से भी फ्रंट पार्ट के लिए निकाल लेती हूँ। जितना भी मुझे कपड़ा चाहिए, तो मुझे इतना चौड़ा कपड़ा लगेगा, तो मैं इस तरह से इसको कट कर दूंगी। अब ये मेरे फ्रंट पार्ट के लिए बचा, अब मैं इससे फ्रंट पार्ट की कटिंग करूंगी। अब हमने जो ये वाला पार्ट कट किया था फ्रंट के लिए, ये मैं इस तरह से रखूंगी, यानी कि दोनों की राइट साइड ऊपर होनी चाहिए। दोनों कपड़ों की राइट साइड, फ्रंट साइड यानी ऊपर साइड को होनी चाहिए। और इस तरह से आपको जितनी भी लेंथ चाहिए आप उतनी मार्क कर लें। मुझे थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, ये 23 इंच आ रहा है, तो मुझे 24 इंच करीब चाहिए है कपड़ा। तो इस तरह से मैं रखूंगी, ये 24.5 इंच आ रहा है। अब ये जो सेंटर वाली लाइन है, मैं इसको यहाँ पे से कट कर दूंगी। आपको जितनी भी लेंथ चाहिए टॉप की, आप उतना ही कपड़ा लें। और ये हमारी कटिंग पूरी हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं मेरे ये दो पार्ट बन गए हैं, और अब हमें इन दोनों को ज्वाइन करना है। अब मैं इनके बीच में टैसल्स लगाऊंगी। ये मैंने सिल्क के थ्रेड से इस तरह से टैसल्स बनाए हैं, और मैं इनको यहाँ पे अटैच करूंगी। टैसल्स बनाने के लिए मैंने ये दो सिल्क के थ्रेड ले रखे हैं, वाइट और पिंक कलर के, और एक एक कार्डबोर्ड लिया है मैंने। अब ये जो थ्रेड है, ये दोनों थ्रेड मैं एक साथ मिलाते हुए इसको लगाऊंगी। ये कार्डबोर्ड की चौड़ाई, जितना भी आपको टैसल की लेंथ चाहिए उस हिसाब से मैंने ले रखी है, ये आप देख सकते हैं। अब ये धागे को इस तरह से यहाँ पे हमें इसको पूरे में गोलाई में इसको लपेटते जाना है। जितना भी आपको चाहिए उतना आप इसको लपेटें, और ये बिल्कुल टाइट टाइट होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप इसको गांठ बांध के इसको यहाँ से कट कर लें। अब आप देख सकते हैं, ये मैंने एक सुई ले रखी है, और इसको मैं यहाँ से इसके बिल्कुल बीच में से निकालूंगी। यहाँ पर से हमें इस तरह से निकालना है, और यहाँ पे गांठ बांध लेनी है। इस तरह से आप यहाँ पे गांठ लगा दें इसको टाइट से, और इसको कट कर दें। अब ये जो हमारा नीचे वाला पार्ट है, इसको यहाँ पर से इस तरह से कट कर दें, और ये हमारा टैसल बनके तैयार हो गया है। और इसके जो ऊपर टॉप पोर्शन है, यहाँ पर आप धागे से इसको भी सिक्योर कर लें, और इसमें भी गांठ लगा लें। ये हमारा टैसल बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से मैंने बाकी टैसल्स भी बनाए हैं, और अब मैं इसको टॉप में अटैच करूंगी। अब मैं इन दोनों पीसेस को अटैच करूंगी यहाँ सेंटर से। उसके लिए मैं पहले यहाँ पर टैसल के लिए मार्किंग कर लेती हूँ। इस तरह से हमको ये लगाने हैं। अब मैं यहाँ पे चौक से निशान लगा लेती हूँ कि हमको कितनी दूरी पर इसको अटैच करना है। इस तरह से चौक से आप पूरा निशान लगा लें।
इसके बाद हम ये जो ऊपर वाला कपड़ा है हमारा, इसको इस तरह से यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ये मैं आपको बताती हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये मैंने दोनों कपड़े इस तरह से रखे हुए हैं और अब मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। यहाँ पे जो हमारा मार्क है, यहाँ पे हमारा टैसल आना चाहिए इस तरह से। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे निशान है और यहाँ पर मैं ये टैसल लूंगी और इसको यहाँ पे इस तरह से दोनों कपड़ों के बीच में इसको प्लेस करूंगी और यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी इस तरह से। सिलने के बाद अब ये जो हमारा दूसरा पॉइंट आया है, यहाँ पर भी हमें एक टैसल रखना है और दोनों कपड़ों के बीच में, और इस तरह से हमें यहाँ पे इसको सिल देना है। सारे टैसल्स मैंने इसी तरह से ज्वाइन कर दिए हैं और इसमें मैंने एक टॉप स्टिच भी लगा दी है फिनिशिंग के लिए। अब इसके बैक पार्ट के लिए ये जो हमारा कपड़ा बचा था, इसको इस तरह से रखना है और सेंटर से फोल्ड कर देना है। ये कपड़ा अब हमारा 4 फोल्ड्स में रखा हुआ है, 4 फोल्ड में यानी कि रखा हुआ है हमने कपड़ा। और ये नीचे से थोड़ा एक्स्ट्रा है, इसको हम कट कर लेंगे। अब मैं एक टी शर्ट ले रही हूँ, आपकी कोई भी फिटेड वाली टी शर्ट हो तो आप उसको रखें इस तरह से और दोनों की फोल्डेड साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए होनी चाहिए। और अब मैं इसकी मार्किंग करूँगी। यहाँ पे हमारा शोल्डर आया हुआ है तो यहाँ पे, और नेक की विड्थ हमारी यहाँ पे आई है। इस तरह से हमें पूरी मार्किंग करनी है और आर्म होल्स में मैं यहाँ पे निशान इस तरह से लगा रही हूँ। आर्म होल राउंड के लिए हमें इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए जहाँ पर भी हमारा आर्म होल है इस तरह से यहाँ पे निशान लगा देना है और इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। आप चाहें तो प्रॉपर मेजरमेंट लेके भी कर सकते हैं, लेकिन इस बार मैं टी शर्ट से मेजरमेंट लेके कर रही हूँ। साइड में ये मैं 1/2 इंच का एक्स्ट्रा ले रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये बिल्कुल टाइट है तो ये टॉप मेरे को थोड़ा सा लूज चाहिए। अब मैं यहाँ साइड्स में 1 से 1.5 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा ले रही हूँ इस तरह से, और ये नेक विड्थ मैं थोड़ा सा इसको कम कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा थी तो मैं इसको थोड़ा सा कम करके इस तरह से जितना भी आपको गला चाहिए आप उस हिसाब से निशान लगा लें। और अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। ये नेक में मैं बैक पार्ट भी इतना ही बड़ा कट कर रही हूँ, आप चाहें तो बैक का नेक थोड़ा छोटा कट कर सकते हैं। और मैं इस तरह से आर्म्स भी सेम ही कट कर रही हूँ, क्योंकि टॉप में हमारा ज़्यादा कोई अंतर नहीं आता है फ्रंट और बैक के आर्म होल में। तो ये इस तरह से मेरा टॉप बन गया है, कटिंग हो चुकी है इसकी। अब हमें इसके शोल्डर्स ज्वाइन करने हैं। अब दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए रखते हुए हमें इसके शोल्डर ज्वाइन करने हैं। सबसे पहले मैं सिर्फ एक साइड का शोल्डर ज्वाइन करूंगी, ये सिर्फ एक ही साइड का शोल्डर मैं ज्वाइन कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने एक शोल्डर ज्वाइन कर दिया है, दूसरा अभी नहीं ज्वाइन किया है। और ये बायस में मैंने एक पट्टी कट करी है, अरेब कट की पट्टी कट करी है मैंने। और अब मैं इसको गले में इस तरह से लगाऊंगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से पूरे गले में हमें गुलाई देनी है और अंदर को फोल्ड कर देना है। अब आप देख सकते हैं मैंने इसके गला बना दिया है ये, और अब मैं इसके दूसरा शोल्डर भी ज्वाइन करूंगी। इस तरह से आप पहले एक शोल्डर ज्वाइन करके गला बना लें और इस तरह से आपको काफी आसानी होगी गला बनाने में। और अब इसका दूसरा शोल्डर ज्वाइन करके मैं इसके आर्म्स में भी फिनिशिंग दे दूंगी। आप देख सकते हैं मैंने इसके आर्म्स में भी पट्टी लगा दी है जैसे मैंने गले में लगाई थी। और अब मैं इसके साइड पोर्शन ज्वाइन करूंगी। साइड पोर्शन ज्वाइन करने के बाद ये जो हमारा पिंक कलर का कपड़ा थोड़ा सा बचा था, इसको मैंने ज्वाइन करके एक लंबी सी पट्टी बनाई है और अब मैं यहाँ पर इसके पट्टी लगा दूंगी। पहले साइड ज्वाइन करेंगे फिर उसके बाद हम इस तरह से पूरे गोलाई में यहाँ पे साइड नीचे पे पाइपिंग लगा देंगे और ये टॉप हमारा बनके तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है साइड्स में और यहाँ पर भी मैंने नीचे पाइपिंग लगा दी है और ये मेरा टॉप बनके तैयार हो गया है।